नमस्कार दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की एक नई भर्ती। दोस्तों हो सकता है आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया है, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तब भी आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तब तो आप जरूर से इस वीडियो को ध्यान से देखिए। आप लोगों के बहुत सारे डाउट होते हैं, कौन सी ट्रेड में फॉर्म फिल करेंगे तो सर्टिफिकेट लगेगा और कौन सी ट्रेड में फॉर्म फिल करेंगे तो सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। संपूर्ण डिटेल्स में जानेंगे, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस इसका आपका क्या रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो में एंड तक। वीडियो आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके टोटल पोस्ट की। तो टोटल पोस्ट आप यहां पर देख सकते हैं 1284 यहां पर टोटल पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें 1220 मेल के और 64 पोस्ट फीमेल के देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों इसके अप्लाई डेट की बात करते हैं, तो अप्लाई डेट आप यहां पर देख सकते हैं 26/2 से 27/3 तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप जरूर से इसमें फॉर्म फिल कर दिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एज लिमिट आप ध्यान से समझिए, अगर आप जनरल से हैं तो 18 से 25 साल, अगर आप ओबीसी से हैं तो 18 से 28 साल। जब भी आप अपना फॉर्म अप्लाई करते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा देंगे तो आपको यहाँ पर 3 साल की छूट देखने को मिल जाएगी। अगर आप SC ST से हैं तो आपको यहाँ से 18 से 30 साल, तो आप लोगों को एज में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, बात करते हैं इसके फीस की। अगर आप जनरल ओबीसी EWS से आते हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपए फीस लगने वाली है। अगर आप SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी यहाँ पर 0 रुपए फीस रहने वाली है। अब दोस्तों इसमें समझते हैं कौन सी ट्रेड में सर्टिफिकेट लगेगा और कौन सी ट्रेड में सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सर्टिफिकेट आपको 3 पोस्ट में देखने को मिलेगा। अगर आप कोक को वाटर कैरियर और वेटर में करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। सर्टिफिकेट की दोस्तों तभी जरूरत पड़ेगी, आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तब भी जरूरत पड़ेगी, जब आप DB के लिए जाएंगे तब भी जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, अगर आप इन तीन पोस्ट में फॉर्म अप्लाई करते हैं। सर्टिफिकेट कहां से, कौन सी संस्था से बना होना चाहिए, तो दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं NSQF लेवल 1 का, और जो संस्था होती है उसका नाम होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये संस्था होती है। तो यहां से आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं या आप हॉस्टल से भी बनवा सकते हैं। अब यहां पर देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी ट्रेड हैं जिसमें अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, बस उसकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे दोस्तों आप यहां से देखिए, कॉबलर में अप्लाई करते हैं तब भी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, अगर आप टेलर में अप्लाई करते हैं तब भी आपको सर्टिफिकेट नहीं देखने को मिलेगा, आप और यहां से अगर आप वाशरमैन में अप्लाई करते हैं तब भी यहां पर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, और बार्बर में भी नहीं लगेगा और स्वीपर में भी नहीं लगेगा। और यहां पर देखिए, कुक में 456 टोटल वैकेंसी है और वाटर कैरियर में 280, और यहां से वेटर में 5 वैकेंसी देखने को मिलेंगे, और कॉबलर में 22 वैकेंसी, और यहां पर टेलर में आप देख सकते हैं 12 वैकेंसी, और वाशरमैन में 25 वैकेंसी देखने को मिलेगी, और बार्बर में 57 वैकेंसी, और स्वीपर में 263 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो हमने यहाँ पर वैकेंसी भी लिख रखी है। अब दोस्तों इसको समझते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आप लोगों के डाउट होते हैं ना कि पहले इसमें फिजिकल होगा या रिटन टेस्ट होगा, तो देखिए दोस्तों, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट कौन सा होगा, जैसे दोस्तों अगर आप वाशरमैन में अप्लाई करते हैं तो दोस्तों इसका आपको काम जानते हो, यानी कि कपड़े वपड़े धोने, ये काम आता है या नहीं, तो दोस्तों यही इसका ट्रेड टेस्ट होगा, और यहां से फिर आपका मेडिकल होगा। तो दोस्तों ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना है, क्योंकि यहां पर सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। अब दोस्तों हम बताते हैं कि रिटन टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे जिससे आप रिटन आसानी से क्वालिफाई कर पाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन GK और GS से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश से 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, और इसके लिए 2 घंटे का समय, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि माइनस मार्किंग नहीं है। तो दोस्तों आपको 100 में से 100 ही करनी है, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब यहां पर देखिए दोस्तों, बात करते हैं इसके फिजिकल में क्या हाइट चेस्ट मांगी गई है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो यहां पर देखिए 65 सेंटीमीटर, अगर आप मेल ST कैटेगरी से हैं तो 160 सेंटीमीटर, और फीमेल की आप यहां पर देख सकते हैं 55 सेंटीमीटर, अगर फीमेल ST से हैं तो 148 सेंटीमीटर, और चेस्ट की बात करें तो 75 से 80 सेंटीमीटर, और यहां से फीमेल का कोई चेस्ट नहीं मांगा गया। और रनिंग की बात करें तो 5 किलोमीटर मेल को रनिंग 24 मिनट में, और फीमेल को 1.6 किलोमीटर रनिंग 8.5 मिनट में। तो दोस्तों ये इसका फिजिकल हो गया। अगर दोस्तों अब भी आपका कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।